नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेडिकिट्स पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई फ्लू के विषय में। आज के समय पर बहुत ज़्यादा आई फ्लू प्रत्येक व्यक्तियों में फैल रहा है, देखने में आ रहा है, तो हम उसके टोटल ट्रीटमेंट के विषय में बात करेंगे और उसको कौन कौन से, यदि आपको आई फ्लू हो गया है या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो कौन कौन से सावधानियों का उपयोग करके आप आई फ्लू से बच सकते हैं, और आई फ्लू यदि हो गया है, घर में किसी को हो गया है, परिवार में किसी को हो गया है, तो किस प्रकार से उसको ठीक किया जा सकता है, तो आज हम इसी के ऊपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसे कि आई फ्लू जो है, यह मुख्यतः एक कंजक्टिवाइटिस वायरस के कारण होता है जो कि हमारे आँखों में हो जाता है। इसका जो लक्षण होता है वह आँखों में लालीपन हो जाता है, आँखों में सूजन आ जाती है और आँख दर्द करने लगता है, यही इसका मुख्य लक्षण है। और आई फ्लू एक फैलने वाली बीमारी है, यानी कि एक संक्रमित बीमारी है। यदि यह एक व्यक्ति में हो जा रहा है तो एक व्यक्ति से दो व्यक्ति, दो व्यक्ति से चार, इस तरीके से यह फैलते जाता है। यदि परिवार में किसी एक व्यक्ति को हो गया और अगर सावधानियां नहीं रख रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को हो सकता है। तो आई फ्लू जो है यह अभी के डेट पर एक महामारी का रूप ले लिया है, परंतु इससे बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आई फ्लू हो गया और आप दवाई यूज कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो हम आपको यह भी बताएंगे कि आप कौन से मेडिसिन को लेकर बच सकते हैं। सबसे पहले हम बचाव की बात करें कि यदि आप भीड़ भाड़ में जा रहे हैं या फिर आपके घर में किसी को हो गया है या आपको हो गया है, तो किस तरीके से इसके संक्रमण को आप रोक सकते हैं। तो जब भी आप कहीं भीड़ भाड़ वाले जगह में जाएँ तो चश्मा ज़रूर लगाएँ, और यदि कोई व्यक्ति कंजक्टिवाइटिस से प्रभावित है तो कभी भी उसके आँखों को छुए नहीं, उनके बहुत ज़्यादा पास ना जाएं, और उनके जो भी यूज करने वाले जैसे टॉवल हो गया और भी कोई उनके हैंडकरचीफ हो गया, इस तरह की चीज़ें उनका इस्तेमाल ना करें। और जैसे यदि किसी को हो गया है और आप उसको ड्राप डाल रहे हैं, दवा डाल रहे हैं, तो जब भी आप ऐसा करें उसके तुरंत बाद साबुन से आपको हाथों को जरूर धोना है। अब हम बात करें कि कौन से मेडिसिन के यूज करके आपको आई ड्रॉप जो होता है, कौन से आई ड्रॉप को यूज करने से वह पूरी तरह से 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए एक आई ड्रॉप आता है जो कि सिप्रोडास होता है। इसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन बीटा मेथाजोन सोडियम फास्फेट होता है जो कि आई ड्रॉप के रूप में काम में लाया जाता है, जो कि स्मार्ट में फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। यदि आप इस ड्रॉप को डालते हैं तो पूरी तरह से आपका आई फ्लू ठीक हो जाता है, यानी कंजक्टिवाइटिस ठीक हो जाता है। इस ड्रॉप को आपको एक एक बूंद दोनों आँखों में दिन में 3 से 4 बार डालना है, और पूरी तरह से 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो आई फ्लू है, आपका आँख है, वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।